आगे बढ़ते हैं। राधा रानी पर दिए गए अपने विवादित बयान को लेकर आज कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माफी मांग ली है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा आज बरसाना के श्रीजी मंदिर पहुंचे, वहां दंडवत होकर राधा रानी से माफी मांगी है। पिछले दिनों दिए गए प्रदीप मिश्रा के बयान पर साधु संतों ने काफी नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि प्रदीप मिश्रा बरसाना आकर राधा रानी से माफी मांगे। बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रदीप मिश्रा ने आज नाक रगड़ कर माफी मांग ली है। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लालू जी से क्षमा चाहता हूँ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लालू जी से क्षमा चाहता हूँ। राधा रानी ने उनको सद्बुद्धि दी और जैसे हम लोग चाहते हैं कि नागरिकगण के माफी मांगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम श्री राधा रानी के आगे उन्होंने करी नागरिकड़ी और बाहर आकर के मीडिया के सामने कहा कि मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और उनके अंदर सद्भाव दिखा, उन्होंने तरीके से माफी मांगी। राधा रानी के साथ जो उन्होंने गड़बड़ बोला था उनके चेहरे पर प्रायश्चित दिख रहा था, उनके चेहरे से लग रहा था कि हाँ उन्होंने गलती करी है। आज जो ब्रजवासियों की मांग थी कि प्रदीप मिश्रा अपने की हुई गलती की नाक पकड़ के रगड़ के यहाँ क्षमा मांगे, तो आज सभी ब्रजवासियों के समक्ष राधा रानी के सामने लंबी लेट करके और नाक रगड़ करके प्रदीप मिश्रा ने अपनी गलती की माफी मांगी है और उन्होंने शब्दों में भी कहा है, अपने अनुयायियों को भी कड़ाई से कहा है कि कोई भी हमारे पूज्य आचार्यगण के लिए, कोई ब्रजवासी के लिए किसी प्रकार की कोई भी गलत बातें न करे जिससे कि कोई और विवाद खड़ा हो। आज उन्होंने माफी मांगी है। खबरें जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देश की सबसे बड़ी चर्चा ये देश है हमारा में हंगामा क्यों है बरपा? मिनिस्टर एचआरडीआर रिजाइन नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री वक्तव्य नहीं दे रहा है, हंगामा नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। एक पक्ष संसद में खड़ा होकर ये ना कहे कि एक अकेला सब पर भारी, ये तानाशाही की भाषा। पिताजी, चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, नाना जी, बेटा जी, उससे बाहर आज तक निकल नहीं पाए और हमें पढ़ा रहे एक अकेला सब पर भारी का पार्टी। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक संविधान दिया। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने सेक्युलर शब्द डाला था अपने संविधान के अंदर? इस देश के युवाओं को बताइए, नहीं डाला था बाबा साहब ने सेक्युलर शब्द? इंदिरा गांधी ने डाला, इमरजेंसी लगाकर सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया।